अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ हमारे चैनल लेट्स लर्न अबाउट मेडिसिन में। आज का जिस टैबलेट्स का रिव्यू हम देने वाले हैं उसका नाम है रोवा 10 mg टैबलेट्स, यानी रोविस्टाटीन। इसका फार्मूला है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कार्डियो केयर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कार्डियो केयर है, यानी ये हार्ट की जितनी भी डिजीजेज है उससे बचने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। चाहे वो आपको इंजाइना वगैरह हो, चाहे आपको कार्डियक कोई भी मसला हो, ठीक है, हार्ट की कोई भी मसला हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, या अगर कोई और हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या आपके किसी भी आर्टरी में क्लॉट हो, तो तब हम इसी टैबलेट का यूज़ करते हैं ताकि जितनी भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम हो जाए, वो बैलेंस में आ जाए, और कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ख़त्म हो जाए बॉडी में, और बॉडी जो है ना वो ईजीली अपना ब्लड फ्लो वगैरह का सर्वाइव कर सके, ठीक है, सप्लाई कर सके। अगर इसकी बेनिफिट्स की हम बात करें तो ये हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल यानी शकनाई को कम कर देती हैं, यानी बैलेंस में कर देती है, और इससे बनाने वाले जितनी भी डिजीज़ होती है, चाहे वो आर्टरी को बंद करना, चाहे वो स्ट्रोक वगैरह हो गया, तो उसको उसके लिए हम ये यूज़फुल कर देते हैं, यानी ये दवा जो है ना उसके लिए यूज़फुल है। अच्छा, फर्दर अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो ये हमारे साथ तकरीबन 320 रुपए का एक पैकेट मिलता है, जिसमें 10 टैबलेट्स पाए जाते हैं, यानी महीने का आप लोग 960 रुपए का 30 टैबलेट्स ले सकते हैं, ठीक है, जो कि आपने डेली एक टैबलेट लेना है। इसमें हमारे साथ 5 mg, 10 mg और 20 mg मौजूद होती है, तो डॉक्टर जो है ना पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक ही दवा को रिकमेंड करते हैं। अगर इसकी हम यूजेस की बात करें तो जितनी भी हमारे साथ हार्ट डिजीज़ के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके लिए ज़्यादातर ये टैबलेट्स रिकमेंड करते हैं। ये टैबलेट आपने डेली एक टैबलेट लेना है, ठीक है, और ज़्यादातर लोग जो है ना इसको नाइट के टाइम बेहतर अगर ले लें तो नाइट के टाइम बेहतर होता है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी हार्ट प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादातर नाइट के टाइम आती है, तो इस वजह से उसे बचने के लिए आप लोग इस टैबलेट को नाइट के टाइम ले सकती हैं। अच्छा, अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे साथ क्या हो सकती है, स्टमक जलन हो सकती है, डायरिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, नींद ख़राब होना यानी स्लीप डिस्टर्बेंस आ सकती है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए ज़्यादातर नहीं देते, लेकिन फिर भी अगर कोई हार्ट मसला है तो वो दे देते हैं, लेकिन कम डोज में। अच्छा, अगर कोई डायबिटिक है तो उसके लिए ज़्यादातर ये टैबलेट रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि ये खुद ही डायबिटीज़ बना देती है अगर इसकी यूज़ हम ज़्यादा कर दें, लेकिन फिर भी कम डोज में ये जो है ना ज़्यादातर दे देते हैं अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे साथ जॉइंट्स होती है तो उसकी डिजीज़ भी ये बना सकती है, रूमेटाइड आर्थराइटिस वगैरह, ठीक है। तो ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, बाकी जितनी भी मेडिसिन है वो डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक यूज़ करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, हमारे चैनल लेट्स लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो मिल रहे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।